एक बहुत जरूरी सूचना, बहुत जरूरी, सही में बहुत जरूरी, इसको मजाक में मत लेना। हम धड़ दरवाजे बजा रहे हैं, ये थोड़ा यार सेफ्टी कंसर्न भी है इसलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले एलिस यादव के बारे में, जो अपने फैंस के ऊपर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा, जिसके बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग वीडियो में कई बार बोला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते और बार बार सेम चीज रिपीट करते रहते हैं, जिसके बारे में आज उनकी मम्मी और उन्होंने खुद अपने ब्लॉग वीडियो में बोला है, जिसकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ प्ले कर देता हूँ। बहुत जरूरी सूचना, बहुत जरूरी, सही में बहुत जरूरी, इसको मजाक में मत लेना। भाई देखो, यहाँ पे मैं आया, जैसा मैं मेरा घर आयो है ना, मेरा घर तो है ही, मैं अपने घर वालों से मिलने आया, एक थोड़ा एक पर्सनल टाइम स्पेंड करना है, इसमें भी पब्लिक भाई नहीं छोड़ रही, घर पे आ जा रही है, बाहर रहती है सारा टाइम, कुछ लोग पंखा नहीं रुका अभी, कुछ लोग कल विद फैमिलीज पता नहीं कौन कौन आ गए, जो घर बजाते चले गए, घर के अंदर तक आ गए, ऊपर तक चले गए। भाई घर के अंदर तो मत आओ एटलीस्ट यार, मतलब समझ रहे हो ना, हमारी भी मम्मी रहती है इधर घर में, तो बुरा फील होता, अच्छा नहीं लगता। कि मान लिया भाई तुम अच्छे सपोर्टर्स हो मेरे, बहुत अच्छी बात है, बट मेरी एक प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट रखो ना, कि ये मेरा घर है उसके अंदर मत आओ। सोचो ना कोई तुम्हारे घर के अंदर घुस जाए भाई, चार पांच जने ऐसे ही ऊपर चले जाए अपना घर समझ के, तो ऐसा मत करो भाई। कल मैं प्लॉट पे चली गई, उन्होंने सोचनी चाहिए थी, अगर अंदर होंगे तो एक बार के दरवाजा बजने थे, खुल जाओगा दरवाजा। मैं वहां देख रही फोन में कैमरे में, थमा धड़ धड़ा धड़ दरवाजे बजा रहे हैं, मतलब कि इतनी परेशान होगी ना मैं कल। मैं सोच रही यार, अगर मैं अंदर होती तो मैं दरवाजा ना खोलती, एक सोचने की बात है। शीशे में तो झांक रहे हैं, फिर गली में आ रहे हैं इधर की साइड, ऊपर जा रहे हैं माँ के पास, तबड़ तबड़ करते करते। भाई तुम्हारे घर में कोई नू घुसा तो कैसा लगेगा आप लोगों को, ये बताओ। ये थोड़ा यार सेफ्टी कंसर्न भी है, इसलिए थोड़ा वैसा हो रहा है कि मत करो भाई ऐसा ना। दरवाजा खोल के सारे चौक के अंदर थे, और दरवाजे आवाज लगा रहे हैं जोर जोर से, जो पता नहीं कौन लेडी थी, तीन लेडीज थी और उनके साथ एक बच्चा था और जेंट्स वगैरह थे, ये अच्छी बात है। गाइज, ऐसे लोगों पर आपके क्या ओपिनियन, जो किसी के भी घर में बिना परमिशन के घुस जाते हैं, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताएं।